25 ग्राम में आ जाएगा। 25 तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से फ्लैश हो रहा है, और मैं इसकी फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसकी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री फाइल है और 100% वर्किंग फाइल है, इंडियन वर्जन है। चाहे तो यहाँ से इंडियन वर्जन, बांग्लादेश और नेपाल, ये तीन, श्रीलंका, ये चार कंट्री की फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ओके। और इसका देखिए, आप एंड्रॉइड 10 है, एंड्रॉइड वर्जन 10 है, ठीक है। और कंट्री देख सकते हैं, इंडियन है। और बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है जो कौन से सिम चलेंगे, इंडियन सिम, जैसे जेयर्स, एयरटेल, टाटा डोकोमो, एयरटेल, सेल ऑन, वोडाफोन, डॉल्फिन, डेली, बाकी सभी सिम चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फ्लैश हो गया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से फ्लैश हो रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि ये ऐसी फाइल है जो इंडियन वर्जन की है, जो आपको बिल्कुल भी बाइनरी में कोई भी एरर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अपना वो फोन फ्लैश हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जैसे कि सेटिंग ओपन करते थे तो एप्लीकेशन एरर लिख के सेटिंग जो है ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाती थी, तो फिर भी दोबारा ओपन करेंगे तो भी वो दोबारा बंद हो जाती थी, तो इसलिए इसे फ्लैश किया मैंने। इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसमें वर्जन तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन मैंने अपने अंदाजे से इंडियन वर्जन में जो स्टेबल फाइल होती है उसी को डाउनलोड करके फ्लैश किया है। और ये जो ओरिजिन है हमारे पास, जो मैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो ये ओरिजिन का जो एप्लीकेशन है ये स्टेबल वर्जन का है, मतलब इसमें आप हर एक फाइल को 5.0, 6.0, 7.0 सभी वर्जन के फाइल को फ्लैश कर सकते हैं, या ऑल वर्जन सपोर्टेड ओरिजिन है। इसमें कभी भी आपको कोडिंग के कारण कोई भी एरर नहीं मिलेगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोडिंग को ही डाउनलोड करें और इस को डाउनलोड करके ही फ्लैश करें, तो ज़्यादा बेटर, जिसमें एरर आने की या फेल्ड होने की कोई भी संभावना नहीं होगी, ठीक है। तो आप देख सकते अपना फ़ोन स्टार्ट हो गया, एंड्रॉयड स्टार्टिंग एंड्रॉयड। तो चलिए देखते हैं अब आगे का प्रोसेस, देखते हैं क्या आया है और सेटिंग में दोबारा प्रॉब्लम आता है कि नहीं। मैंने बीच में इसी फ़ोन को फॉर्मेट करके भी कस्टमर को दे दिया था, लेकिन वो फिर भी दो दिन बाद कस्टमर रिटर्न आ गया कि सेटिंग ओपन करने के बाद फिर से बंद हो जाती है सेटिंग की ऑप्शन। तो
मैंने सोचा चलो इस बार फ्लैश कर देते हैं इसे पूरी तरह से। तो मैंने फोर फाइल का इस्तेमाल करके इसे फाइल फ्लैश किया है, जिसमें BLAP CP CSE चारों फाइल को सिलेक्ट करके फ्लैश किया हुआ है। तो इस तरह से ये फोन पूरा फ्लैश हो चुका है, जिसमें आपके डेटा जो होते हैं वो सभी डिलीट हो जाते हैं। इसके लिए आपको पहले सबसे पहले रिकवरी ले लेना चाहिए अगर इम्पोर्टेंट डेटा है, क्योंकि पूरा हो जाते हैं। फ्लैश करने के बाद सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं, तो आपको रिकवरी में कुछ भी नहीं मिलता है। सपोज आप जीमेल आईडी वगैरह अगर बैकअप लेके रखते हो तो आपको वहां से मिल जाता है, लेकिन अदरवाइज फोन में जो भी डेटा होता है वो सारे डिलीट हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। ऑप्शन मैंने स्किप कर दिया है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। करेक्टिंग टेक अप 5 मिनट्स, तो 5 मिनट का समय मांगा जा रहा है हमसे यहाँ पे। हिंदी हिंदी सी, चलिए हम इसे दे देते हैं डेटा। डेटा के बाद ये जेस्टर है, प्रेस। हाँ, कोई प्रॉब्लम करेगा ना वो दावा करेगा। ठीक है, भाई हम पासवर्ड क्या था इसमें? 47 48 48 क्या हो गया? हेलो, यो करो मेहनत, मेहनत करे थोड़ा उधर मारो, ज्यादा दबाओ नहीं, खींचो नहीं, ज्यादा जोड़ दा। केंदी हुंडी सनाई मेरे को आते और यार पसंद है। खेल कूदूगा तो जब तुझे पता लगूंगा, हाँ
क्या बोला था आपका पासवर्ड? 28 हाँ।